क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर। कौन सा पेपर देकर आए? एम ए उर्दू। कैसा रहा पेपर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह पेपर अच्छा रहा। इस बार भी हमेशा की तरह किताबों के नाम ज्यादा पूछे गए। जो सिलेबस बताया गया था जामिया, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग लियो, क्योंकि जामिया हमेशा सिलेबस से अलग हट के क्वेश्चन पूछती है। नहीं नहीं, सिलेबस अलग क्वेश्चन। अगर मोटे मोटे तौर पे सिलेबस पे पूछा जाए तो क्या सिलेबस बताया जामिया ने? जैसे उनका कहना है कि आप शायर के नाम बताएं, या फिर ये किसके किताब है, मुसन्निफ़ी के नाम बताएं, या किस सन में किताब शाये हुई है। तो इस बार कम थे, किताबों का नाम ज़्यादा पूछे गए, किसकी किताब है और इनके मुसन्निफ़ पुलिस पे ज़्यादा किया गया जी। अगर पेपर की बात करें तो पेपर क्या 100 मार्क्स में पूरा MCQ है या इसमें दो पार्ट है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों? नहीं, दो पार्ट। सब्जेक्टिव के क्वेश्चन पेपर को लाने के लिए बाहर नहीं मिलता, तो आप क्वेश्चन बता सकते हैं क्या क्वेश्चन आते हैं मोस्टली? जी उसमें ये है कि आप ज़्यादा अगर उस पर किताबों का नाम पूछे जाते हैं और कौन सी किताब किस सन में शाये हुई है, अब इसके बारे में बताएं। और जो ये के लिए शेर के लिए सब्जेक्टिव में, हाँ सब्जेक्टिव में किताब कौन से ईयर में? नहीं, उसमें ये पूछा कि मीर तकी मीर के गज़ल गोई क्या खसूसियात हैं, गालिब की तनकीदी नज़रियात हाली की तनकीदी नज़रियात क्या है, और गालिब के खतूत के बारे में खसूसियात बयान कीजिए, और जो उर्दू ज़बान के आगाज़ के बारे में जो नज़रिया है मुहक्किकीन का, उनके नज़रिए पे बयान करें। ये जो सवाल आते हैं जो हमेशा टकराते रहते हैं। अगर बात करें कि इसकी एलिजिबिलिटी की, तो एमए उर्दू में सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ जो बीए उर्दू कर करें या उर्दू बैकग्राउंड से वही कर सकते हैं? नहीं, बाहर से भी कर सकते हैं। बिल्कुल। कट ऑफ क्या जाती है बीए एमए उर्दू के? कट ऑफ तो अभी तक 55 और 60 के बीच गई है, अब आगे के तो मालूम नहीं है। चलिए, अपकमिंग एस्पिरेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे इस पेपर के लिए? नहीं, पेपर तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही किया है। कुछ सवाल 2022 के 21 के भी 23 में कुछ अलग थे। क्या सलाह मशवरा देना चाहेंगे उनको? ये कि आने से पहले सिर्फ सिलेबस के भरोसे नहीं रहे, आगे के पहले भी तैयारी करते रहें, देखते रहें। हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर से कितना क्वेश्चन रिपीट होता है, कितना हेल्प करता है? 30% तो बिल्कुल। चले, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, आप जामिया के पार्ट बने, वापस से एमए उर्दू का आपका इंटरव्यू लेने का हमें मौका मिले। जी इंशाल्लाह ज़रूर।